सेवरीमालवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रवृत्ति के समस्या से परेशान होकर कुसुम महाविद्यालय में ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पिछले एक वर्ष से महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति शासन द्वारा अभी तक जारी नहीं की गई है। विद्यार्थी परिषद पिछले एक महीने से ज्ञापन दे रही है तथा आंदोलन कर रही है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति की समस्या को लेकर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। इसी कारणवश आज मजबूर होकर विद्यार्थी परिषद को अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार परमेश जैन, थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह और महाविद्यालय प्राचार्य राजेश रघुवंशी की समझाइश के बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन खत्म किया। विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि 8 दिन के अंदर छात्रवृत्ति नहीं आती है तो विद्यार्थी परिषद भूख हड़ताल करेगी और भूख हड़ताल में यदि किसी भी कार्यकर्ता या छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य समस्या या फिर कोई भी हानि होती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रदेश सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की होगी। साथ ही में आंदोलन में मुख्य रूप से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एवं छात्र शामिल थे। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए सिवनी मालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट।